हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्त। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अनुपमा में अभी तक आपने देखा होगा कि डिम्पी और अनुपमा के बीच अब बहस हो चुकी है, और इस बहस के दौरान डिम्पी बहुत कुछ ऐसा कहेगी जिससे घर वाले हैरान हो जाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, डिम्पी का पति समर भी अपनी पत्नी का पक्ष लेगा। आज के इस एपिसोड में बहसबाजी और ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। वनराज मामला शांत कराने के लिए कहेगा, मैं ससुर हूँ और एक हद से ज़्यादा नहीं डांट सकता, लेकिन अगर मेरी बेटी होती तो मैं कब का हाथ उठा चुका होता। शो में आज आप देखेंगे कि डिम्पी वनराज की बात पर कहेगी तो मारिए, मार मार के खाल उधेर दीजिए, क्योंकि इस घर पर सच बोलने से इनाम नहीं मिलता बल्कि सजा मिलती है। सबके सब दोगले हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं। आपने तो अमीर आदमी से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर ली, लेकिन हमें तो मेहनत करके कमाना है। क्या चाहती हो आपकी मेरी जिंदगी भी बा की तरह पाई पाई को तरसे और निकल जाए, मेरा पति भी मेरे जेठ की तरह घर पर पड़ा रहे, या अपने पापा की तरह स्ट्रगल करे जो उस उम्र में दोबारा बाप बन रहा है, वो भी अपनी दूसरी बीवी से। डिम्पी की ये बदतमीजी दोस्तों यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। वो आगे कहती है कि ये बा है जो दिन में सोफे पर बैठकर कुड़कुड़ी करती रहती है, दूसरी ओर ये बाबूजी हैं जो बैठे बैठे अपने दिनों को पूरा कर रहे हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। डिम्पी की बातें खत्म होने से पहले ही अनुपमा उसे जोरदार थप्पड़ मार देगी। अनुपमा के थप्पड़ से सन्नाटा छा जाएगा। डिम्पी धीरे धीरे समर पर गिर पड़ती है। इस पर बा कहेगी कि चेहरे पर चमक और लाली दोनों लाए अनुपमा का थप्पड़। अनुपमा के गुस्से पर समर कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद अनुपमा कहेगी कि हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ और बाबूजी और मेरे पति के बारे में ये सब कुछ कहने की? मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात कर, मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। सारा दिन घर में कलेश, सबको बुरा भला कहना, सोचना, बड़े बुजुर्ग का लिहाज क्या? अनुपमा कहेगी ये किंजल इतने बड़े घर की है, लेकिन वो पूरी की पूरी यहाँ की हो गई है, तो तुझे किस बात का घमंड है? डांस अकेडमी तक तुम दोनों से संभाली नहीं गई और गुरुकुल संभालने चले थे। अनुपमा ने कहा कि सच सच बता, क्या इस घर के लोग तेरे लायक हैं? क्या घर तेरे लायक है? इस पर डिम्पी नहीं कहेगी तो अनुपमा कहेगी कि जब ये घर तेरे लायक नहीं है तो तू अपने और अपने इस पति का सामान बांध कर इस घर से निकल जा। इस पर डिम्पी मना कर देगी और कहेगी कि हम यहीं पर रहेंगे। वहीं डिम्पी अनुपमा से कहेगी कि जब तक हमें हिस्सा नहीं मिलता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर बाहर वाले को अच्छा लगे या बुरा। इसके बाद डिम्पी कहेगी कि अगर आप हमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट हमें हिस्सा दिलाएगा। आखिर में डिम्पी कहेगी कि हम इस घर में अलग अलग रहेंगे। अनुपमा कहती है कि तुम लोगों को अलग रहना है ना, तो रहो, और सिर्फ रहना ही नहीं, आना जाना, खाना पीना, फ़ोन का बिल, बिजली का बिल, यहाँ तक कि अखबार और लॉन्ड्री का बिल भी अलग होगा, सब कुछ अलग। बता दें कि डिम्पी शाह परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। वो घर में बंटवारा करवा देती है, लेकिन जैसे उसने सोचा था चीज़ें उससे ज़्यादा मुश्किल उसके लिए हो जाएंगी। अनुपमा ने साफ कर दिया है कि अब अगर अलग ही होना है तो पाई पाई का हिसाब होगा और अपने सारे खर्च खुद उठाने होंगे। इस पर डिम्पी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ना तो डिम्पी के पास नौकरी है और ना ही समर के पास। दोनों को हाल ही में मालती देवी ने काम दिया था और फिर नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डिम्पी का ये जो फैसला था अलग रहने का, क्या वो कामयाब हो पाएगा या फिर इनकी ज़िंदगी बस से बदतर हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।